रतलाम जिले के जावरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक किराना व्यापारी पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने एक दिन बाद ही खुलासा करते हुए घटना में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। एसपी ने बताया कि वारदात में घायल हातिम अली बोहरा के पास 17 जून को धमकी भरा फोन आया था, जिसमें हातिम से 25 लाख की मांग की गई थी और वही पैसे न देने पर आरोपी ने गोली मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद आरोपियों ने 14 जुलाई को गोलीकांड को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस ने हातिम के पास आए फोन नंबर की जांच की, साथ ही पुलिस ने तकनीकी आधार पर सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया था, जिसके आधार पर एक दर्जन से भी अधिक संदिग्ध और गुंडे बदमाशों से पूछताछ की गई। एकदम से फायर करके चला गया। किधर से आया, किधर भागा? हाँ, किधर आया था, किधर भागा? सामने से आया, ऊपर काउंटर पे चढ़ा और एकदम से आके और एकदम से चला गया। कौन से बाजार था? हाँ, किधर भागा वो? कौन से बाजार था? कमानी गेट। अच्छा, कोई आप उसे पहचानते हो? मुंह पे ढाटा वगैरह कुछ बंधा हुआ था क्या? शायद मुंह पे था थोड़ा। अच्छा। सा चेहरा फिर भी है, हल्का सा ध्यान है। ध्यान में? हाँ। लगता है कि कोई आपसी दुश्मनी का मामला है क्या? मैंने तो आज तक कभी जिंदगी में किसी को गलत बोला नहीं, दुश्मनी कहाँ से करूँ। क्या कुछ मांग तोंग कर रहा था, कुछ पैसे वगैरह मांगे थे उन्होंने? सर कुछ नहीं, मैं बैठा था काउंटर पे। इसके पहले कभी किसी ने कोई धमकी दी है पैसे के लिए? नहीं नहीं, आज तक कभी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा नहीं हो। और वो उनको लगी गोली पैर में, हम दिखवा रहे हैं अभी, करते हैं इसको। सर्चिंग चालू हो चुकी है? बिल्कुल, सर्चिंग है, पॉइंट लग चुके हैं, नाकाबंदी हो चुकी है। सर कहाँ की घटना है, व्यक्ति कौन? कमानी गेट की बात है। दोनों पैरों में शॉट लगे? हाँ, पैर में लगी गोली उनको। क्या सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज आए हमारे पास, हम देख रहे हैं उसको। लगता है कोई संदिग्ध है? बिल्कुल, पता चलेगा। इसमें एक सनसनीखेज वारदात हुई थी, इसमें मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात लोग आए और उन्होंने जो फरियादी फायर किया, घायल हो गए। मामला काफ़ी सेंसिटिव था और जघन्य अपराध था। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी, सीएसपी, डिविजनल एसपी सभी लोग मौके पर पहुंचे और इसमें धारा 307, 450, 34 APT, 2527 आर्म्स एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया था। उसके बाद जब फरियादी से विस्तृत पूछताछ हुई, ये तथ्य सामने आया कि दिनांक 17 जून 2020 को इनको एक अननोन नंबर से कॉल आया था, जिसमें इनसे 25 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी और उनको धमकी दिया गया था कि अगर पैसे नहीं देंगे तो बहुत जल्दी इनको इन पर फायर किया जाएगा या इनको जान से खत्म किया जाएगा। लेकिन फरियादी कहता है कि उन्होंने मामले की गंभीरता को नहीं समझा और इसको किसी ने शेयर नहीं किया। उनको लगा कि ये मामला शेयर करने से हो सकता है घर में लोग पैनिक करेंगे या इन चीज़ों से, उन्होंने इसको नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन वो जो ऑडियो कॉल था वो उनके पास रिकॉर्डिंग था। इसके बाद फिर हम लोगों ने इसमें हम दृष्टिया पहले तो हम लोगों ने 307 का मामला मानते हुए इसमें अपराध पंजीबद्ध किया था, लेकिन जब इस तरह के एक्सट्रॉशन की बातें आई तो इसमें हम लोगों ने धारा 384 का इजाफा किया है। और इसमें काफ़ी सेंसिटिव मामला था, इसमें आसपास के सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट किया गया, जहाँ से जिले की सीमा से बाहर जाने के जो भी रास्ते थे उनको सील किए गए। पुलिस द्वारा लगातार सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसके साथ साथ जो संभावित ठिकाने थे जहाँ से हम लोगों को संभावना थी कि लोग आ सकते हैं, वो उन सभी जगहों पर पुलिस की रवाना की गई, जो आसपास के सभी, चाहे वो इंदौर हो, उज्जैन हो, निम्बाहेड़ा, प्रतापगढ़, फरीदपुर, बांसवाड़ा, मंदसौर, सभी जगह पुलिस की रवाना की गई है। इसे बताना चाहूँगा कि पुलिस को अभी एक सफलता हाथ लगी है, इसमें तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये तीन लोग वो हैं जिन्होंने जावरा में रह के जो दो लोग सीसीटीवी फुटेज में हैं उनकी घटना को अंजाम देने में मदद किया। इसमें एक तो जो असलम नामक व्यक्ति है, ये इसके घर पर जो आरोपी दोनों हैं जो वीडियो फुटेज में दिख रहे हैं, ये लोग दिनांक 13 तारीख को रात में ही इसके घर पर आ गए थे और वो लोग इसी के घर रुके हुए थे। नेक्स्ट डे 14 तारीख को घटना दिनांक को दोपहर में सादाब नामक व्यक्ति है, वो भी जावरा का रहने वाला है, वो इन लोगों को लेके जाता है, जहाँ से इनको हथियार और पैसे आदि ये लोग मिलते हैं, जिससे कि ये पार्टी के दौरान अपना गुजर बसर कर सकें। वो आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तीसरा व्यक्ति एक अर्शद नामक व्यक्ति है जो त्रिचीपुरा मंदसौर का रहने वाला है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसकी भूमिका ये थी कि ड्यूरिंग अभी जो घटना के बाद ये लगातार आरोपियों से संपर्क में था और उनको सारी चीज़ों को अपडेट कर रहा था, चाहे वो फुटेज जारी करने को लेकर हो या पुलिस के डिफरेंट स्टेटमेंट्स आदि को लेकर हो। इसमें जो मुख्य दो आरोपी अभी फरार हैं उनके संबंध में बताना चाहूँगा, ये सहनवाज नामक व्यक्ति है जो कि मंदसौर का रहने वाला है,
और दूसरा व्यक्ति जो है अजहर, ये प्रतापगढ़ का रहने वाला है। तो अभी तक की जो तथ्य है इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, क्योंकि राजस्थान में मेनली बेस्ड है, प्लस मंदसौर और के लोगों के साथ मिलकर इन्होंने जावरा के लोगों से लड़की कराई और इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। इसमें थाना प्रभारी जावरा सिटी मीडिया ने लगभग एक दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ की और जो संदिग्ध ठिकाने थे वहां पर दबिश लिया, उसके बेसिस पर इन लोगों ने इन तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। जो असलम जिसके घर पर ये लोग रुके थे उसको अरनिया पीठा मंडी से गिरफ्तार किया है, दूसरा सादाब करके है जिसको मापू शाह की दरगाह से हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है, और तीसरा व्यक्ति जो अरसद करके है इसको मंदसौर खिड़की पुरा से राउंडअप किया है। इसमें ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो मुख्य उद्देश्य है जो शाहनवाज और अज्जू करके दो लोग हैं अजहर जो कि मोटरसाइकिल पर सवार हो गया है, इनका मुख्य उद्देश्य व्यापारी को धमकाना था और उससे फिर पैसे वसूल करने थे, क्योंकि इन्होंने पहले इनको फोन के माध्यम से धमकी दी थी तो उसका कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिखा इन लोगों को, फिर इन लोग इनको गोली चला के कैसेट में ला के फिर पैसा वसूली का मुख्य उद्देश्य था। इसमें अभी तक तीन लोग गिरफ्तार किए गए, दो अन्य लोग हैं जो नामजद हैं अपने पास वॉन्टेड हैं, जो शहनवाज और अजहर नामक व्यक्ति है इनकी गिरफ्तारी की जारी शेष है। जो तीन लोग गिरफ्तार हुए हैं इन तीनों के ऊपर 10,000 का इनाम घोषित था और दो अन्य लोग जो वॉन्टेड हैं इनके ऊपर भी 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। इसे बताना चाहूँगा इसमें कुछ और लोग शामिल हो जिनके सपोर्ट से ये इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। अभी तक के तथ्यों में इनके ऊपर कोई खास गंभीर अपराध घटित किए जाना उनमें नहीं पाया गया है, लेकिन इस तरह की सूचना हम लोग को जरूर मिल रही है विभिन्न माध्यमों से, इस तरह के कम से कम 4-5 लोग ऐसे हैं चावड़ा शहर में ही जिनको इस तरह से फोन से धमकियां प्राप्त हुई हैं। तो आप लोगों के माध्यम से हम जनता से भी अपील करेंगे, कोई व्यक्ति जिसको फोन से पैसे के लिए फिरौती के लिए किसी प्रकार की धमकी मिलती है तो अपने नजदीकी थाने पर जरूर सूचना दें ताकि पुलिस इसमें तत्परता से वैधानिक कार्रवाई कर सके, ताकि भविष्य में कोई गंभीर घटना घटित न कर सके। तो इसमें दो अन्य लोग गिरफ्तारी शेष है, उसके लिए पुलिस तत्पर है, बहुत जल्दी उनको भी गिरफ्तार करेंगे हम लोग। और जो भी इस तरह वेल टू डू लोग हैं जिनके पास पैसे हैं उनकी सूचना उपलब्ध कराना, उनकी रैकी करना आदि की जानकारी ये असलम और सादाब के माध्यम से उनको मिलती थी, उसके बाद फिर ये लोग घटना को अंजाम देते थे और लोकल सपोर्ट के रूप में भी यही दोनों थे जो इनको रुकने का जगह उपस्थित कराना, सेफ जगह पर ले जाना, आने का रास्ते बताना, आने जाने का रास्ते बताना आदि चीज़ करते थे। और आपने बताया कि 2-3 लोग और कॉल आए, कुछ जानकारी है उनके लिए बताइए। अभी तक हम लोगों को डिफरेंट सोर्सेज से मिले हैं लेकिन वो कुछ स्वयं लोग नहीं आ रहे हैं बयान करने के लिए, तो हम वही बोल रहे हैं आपसे यही आग्रह है कि आप लोगों के माध्यम से हम वो ये खबर उन तक पहुँचाना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जिनको इस तरह के फोन कॉल मिले हो धमकी होगी तो जरूर नजदीकी थाने पर संपर्क करें ताकि उनके खिलाफ हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर सकें। गिरफ्तार कोई नाबालिग नहीं है इसमें, सभी 20 साल और 19 साल के लोग हैं, असलम जो है 20 साल का है, शादाब और अरशद दोनों 19 साल के हैं। मान्य न्यायालय से समक्ष पेश करके इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा, इनसे बहुत सारी चीजों की अभी जब्ती किया जाना शेष है, जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है, घटना में प्रयुक्त जो हथियार है, इन सब चीजों के बारे में पता करना और साथ ही साथ जो इनका मेन मास्टरमाइंड है जो पीछे ऑपरेट कर रहा है जिसकी हम लोगों को प्रबल संभावना है, क्योंकि फोन कॉल से भी देखेंगे आप ना तो इसी तरह की बात आ रही है कि हमको जेल से तेरे बारे में सुपारी मिली है, तो उनके बारे में पता करना कि कौन लोग हैं इनके बैकग्राउंड में वो पूछताछ किया जाएगा। जो अभी तक हम लोगों को जानकारी इनके बारे में मिली है, जो लोग फरार भी हैं उनके बारे में, प्लस जो लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, ये लोग इस तरह का पैकेट मतलब मंदसौर, नीमच, प्रतापगढ़ और रतलाम ऐसे जगहों पर व्यापारियों को धमकी देना और पैसा वसूली भी इनका कार्य बता रहे हैं लोग, लेकिन इनके तहत कोई रिपोर्ट नहीं लिखा था, कोई शिकायत नहीं करता, जिसके कारण ये अभी तक बचे हुए हैं। पहले अटेम्प्ट में पकड़ा है सर कि